Okay, now let us solve question number 12. It says ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, and it shows and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon OB is equals to CO upon DO. Okay, so the question number 12 says ABCD is a trapezium in which AB and CD are parallel. कुछ इस तरह का एक ट्रेपेजियम है जहां पर ए बी और सी डी पैरेलल है. ओके, नाउ इन दिस ट्रेपेजियम द डायगनल्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम दैट इज डायगनल्स आर ए सी एंड बी डी. द टू डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. सो लेट अस ड्रॉ द डायगनल्स. This is first diagonal, this is second diagonal. Okay, so these are the two diagonals and they intersect at point O. Okay, and I need to prove that AO upon OB is equals to CO upon OD. So I need to prove that AO upon OB is equals to CO upon OD. So let us first write the given conditions. Then we will start analyzing the diagram. Given, what is given? ABCD is a trapezium. ABCD क्या है? एक trapezium है. इस trapezium में AC and BD are diagonals. AC एंड BD क्या है? डायगनल्स है. ओके, AC एंड BD आर डायगनल्स. एंड आई नीड टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? आई नीड टू प्रूव दैट AO अपॉन OB और AO अपॉन BO is equals to CO upon DO. Okay, we need to prove AO upon BO is equals to CO upon DO. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. अब देखते हैं, चलिए AO और BO कहां पर है. AO and BO, AO upon BO is equals to CO upon DO. कुछ इस तरह का प्रूफ है. अब ये सोचना है कि कैसे ये कंडीशन को ऑब्टेन करें इफ दिस इज अ ट्रेपेजियम. ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में हम ये कंडीशन ऑब्टेन कैसे करें? अगेन, हमें एक रेशियो प्रूफ करना है. हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स का रेशियो और ये दोनों साइड्स का रेशियो, लाइन सेगमेंट्स का रेशियो बिल्कुल बराबर है. ओके, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है. कैसे प्रूफ करें, कहां से शुरू करें? सो व्हाट शुड बी अवर अप्रोच? अब देखिए, जैसे ही रेशियो प्रूफ करने की बात आई, जैसे ही प्रोपोर्शनल प्रूफ करने की बात आती है, तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करना है. कैसे भी करके इन्हें यूज करना है. लेकिन इन थ्योरम्स को यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल्स की जरूरत है. तो ट्राइंगल्स कौन सा कंसिडर करें? हम देख सकते हैं यहां पर हमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. कैसे? ए ओ डी, डी ओ सी, सी ओ बी, बी ओ ए, ये चार ट्राइंगल हो गए. उसके बाद ए बी सी, ओके, ए बी सी, देन ए डी सी, ये दो ट्राइंगल्स हुए. फिर उसके बाद ए दिस वन, सो ए डी सी, दिस इज ए बी सी, देन दिस इज ए डी सी, देन दिस इज ए डी बी, और फिर ए बी सी. इस तरह से चार ट्राइंगल, सॉरी डी सी एंड बी, इस तरह से चार ट्राइंगल्स ये हो गए. तो ट्राइंगल्स तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन से ट्राइंगल को यूज करें? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए कहां पर? अब देखिए, हम ये थ्योरम वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर कोई एक साइड हमें पैरेलल दी हुई हो.
ओके, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी हुई हो। लेकिन अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को कंसिडर करूं तो यहां पर सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन ये दिखता है कि कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल नहीं गिवन है। ओके, कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल गिवन नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर कैसे सोचें? अगर गिवन नहीं है तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएं? हमने ट्रेपेजियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे, दो क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए थे, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? हमने उन क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन किया था, हमने उन क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन किया था एक लाइन, एक लाइन का जो कि पैरेलल है ए बी और डी सी के। ओके, इस तरह से, एंड विच इज इंटरसेक्टिंग ए डी एट पॉइंट ई एंड बी सी एट पॉइंट एफ। एक्सक्यूज मी। ओके, सो क्या करा था हमने उन क्वेश्चंस में? एक कंस्ट्रक्शन किया था। कैसा कंस्ट्रक्शन? एक लाइन ड्रॉ करी थी जो कि पैरेलल साइड्स के पैरेलल है। ओके, दो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इन पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन कंसिडर करी, कौन सी? ई एफ। ई एफ एक वह लाइन है जो कि इन पैरेलल साइड्स के भी पैरेलल है। सो इन द कंस्ट्रक्शन वी विल राइट, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पासिंग थ्रू ओ। ओके, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया एक ऐसी लाइन का जो कि इस ओ पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू ए बी। ओके, और ए बी लाइन के पैरेलल है एंड इट इज इंटरसेक्टिंग ए डी एट पॉइंट ई एंड बी सी एट पॉइंट एफ। ओके, इंटरसेक्टिंग ए डी एट पॉइंट ई एंड बी सी एट पॉइंट एफ। ओके, बी सी पॉइंट एफ पर और ए डी पॉइंट ई पर। ओके, इस तरह से यह लाइन हमने एक कंस्ट्रक्ट करी। नाउ कंस्ट्रक्ट करने से हमें फायदा क्या हुआ? जैसे ही हमने एक इस तरह की लाइन कंस्ट्रक्ट करी, नाउ अब हमें ऐसे ट्रायंगल्स मिल सकते हैं जहां पर एक लाइन किसी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल दिखेगी। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन का माइंड में आया कैसे, हम ये कंस्ट्रक्शन का सोचें कैसे? तो देखिए, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी। आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी लाइन, कौन से डायग्राम में, किस तरह के क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग आप मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मैंने बहुत ज्यादा इसे पढ़ा है, इसीलिए मुझे पता है कि यहां पर ये कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, आप भी इस लेवल पे आ सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम गिवन कंडीशंस देख लेते हैं। हमें ए बी और सी डी पैरेलल दिया है और हमने कहा कि ई एफ जो है वह ए बी के पैरेलल है। तो प्रूफ में सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ए बी एज पैरेलल टू ई एफ एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ओके, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशन क्यों आ रही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, नाउ सी, मुझे ए ओ चाहिए, बी ओ चाहिए, सी ओ चाहिए और डी ओ चाहिए। दिस इज ए ओ, दिस इज बी ओ, दिस इज सी ओ एंड दिस इज डी ओ। ओके, अब आपको बड़े ध्यान से ट्रायंगल चूज करना है, आपको बड़े ध्यान से यह सोचना है कि कौन सा ट्रायंगल चूज करें। अगर हम ध्यान से देखते हैं ट्रायंगल ए डी सी को, अगर हम ट्रायंगल ए डी सी को देखें तो हमें ए ओ मिलता है और सी ओ मिलता है। ओके, व्हाट आई विल कंसिडर, consider triangle ADC, okay? In triangle ADC, we will draw a line
like this. ओके ये है ट्राइंगल ए डी सी, दिस इज ट्राइंगल ए डी एंड सी. इस ट्राइंगल ए डी सी में ये ई ओ एक लाइन सेगमेंट है, इस तरह से ई ओ एक लाइन सेगमेंट है. दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ई. नाउ वॉट यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल दैट ई ओ इज पैरेलल टू डी सी. ई ओ क्या है, डी सी के पैरेलल है. और क्योंकि ई ओ डी सी के पैरेलल है, सो सिंस ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, इट इंप्लाइज दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. इट इंप्लाइज ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. ओके एंड दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस इज इक्वेशन वन. ओके हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया और हमने देखा कि ये ट्राइंगल में ईओ जो है वह सी डी के पैरेलल है, और उस पैरेलल की मदद से बीपीटी लगाया और बीपीटी की मदद से ये रेशो डिटरमाइन किया. नाउ अब कौन सा ट्राइंगल चूज करें. अब देखिए हमें ऐसा ट्राइंगल चूज करना है जिसमें ए ई और ई डी आ रहा हो, साथ में ओ बी और ओ डी भी आ जाए. ओके बिकॉज हमें ओ बी और ओ डी दो और टर्म चाहिए, ए ओ और ओ सी तो मिल गया, अब ओ बी और ओ डी चाहिए. कैसे करें, कौन सा ट्राइंगल चूज करें. तो अगर आप फिगर को ध्यान से एनालाइज करेंगे, यू विल फाइंड कि अगर हम ट्राइंगल ए बी डी को चूज करते हैं तो ए बी डी ट्राइंगल में ए डी साइड आ गई, दैट इज ए ई और ई डी आ गए, और ओ डी और ओ बी भी आ जाएंगे. ओके सो आई विल कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी. I will consider triangle ABD. In triangle ABD, you can see if I draw the triangle ABD separately, this is the triangle ABD. This is the triangle ABD. In this triangle, I can see OE is this line. This is O and this is E. OE is this line. Now, OE is parallel to AB, हमने ये प्रूफ करा था पहले. सो आई कैन राइट इन दिस ट्राइंगल OE इज पैरेलल टू AB. नाउ OE और AB अगर पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनती है. अगर OE एंड OB आर पैरेलल, आई कैन राइट दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. ओके AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड दिस इज इक्वेशन टू. नाउ ऑब्जर्व द इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू व्हाट आई विल गेट, LHS एंड LHS आर सेम, सो आई कैन इक्वेट द RHS. आई विल गेट AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO. ओके Now, क्या हमें यही प्रूफ करना है, नहीं. आप देख रहे हैं यहां पर AO अपॉन CO है और BO अपॉन DO है, लेकिन हमें चाहिए AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. तो फिर क्या करें, फिर हम इसे मैनिपुलेट करते हैं. मैं OB टर्म को, दिस BO टर्म को यहां शिफ्ट करता हूं और CO टर्म को वहां शिफ्ट करता हूं. सो आई विल गेट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO. आई विल गेट दिस कंडीशन. Okay, and this is what I need to prove. So, hence, proved. Now, it's a difficult question. Okay, ये question आसान नहीं है, ये question difficult है. यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा. Okay, so this is the proof for question number 12. इसे नोट करिए, फिर हम 13th question करेंगे. Okay, let us solve question number 13. It says the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. Okay. So you can see this question is just the reverse of question number 12. Question number 12 ka bilkul reverse hai. Hum ise solve karte hain. Question number 13.
एक ट्रेपेजियम है कुछ इस तरह का, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी. इन दिस ट्रेपेजियम द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. तो डायगनल्स को हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज द डायगनल ए सी एंड दिस इज द डायगनल बी सी एंड बोथ द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ओके, सॉरी, यस. देन इट सेज इन दिस ट्रेपेजियम दीज डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. ओके, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ एंड वी नीड टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. नाउ अगर मुझे ए बी सी डी को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है? ट्रेपेजियम मतलब, ट्रेपेजियम की कोई प्रॉपर्टी याद कीजिए. ट्रेपेजियम की यह प्रॉपर्टी है दैट टू साइड्स आर पैरेलल. ओके, अ पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड अनदर इज नॉन पैरेलल. सो अगर इस डायग्राम में, इस क्वाड्रिलेटरल में किसी तरह से मैं कोई भी दो साइड्स को, दो ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देता हूं, तो डेफिनेटली मैं कह सकूंगा कि ये एक ट्रेपेजियम है. ओके, सो फर्स्ट लेट अस राइट द गिवन कंडीशंस. हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम उसे लिखते हैं. गिवन है दैट ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ. देन क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ओके, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ऐसा हमें प्रूफ करना है. नाउ अब मुझे एक रेशियो दिया हुआ है और रेशियो की मदद से मुझे प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है, मतलब दो कोई भी साइड्स पैरेलल है. तो रेशियो का बोल के पैरेलल प्रूफ करना है. ओके, रेशियो यूज करके पैरेलल प्रूफ करना है, ऐसा कौन सी थ्योरम बताती है? ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिवर्स, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कर सकते हैं. लेकिन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाने के लिए भी हमें ट्राइंगल की जरूरत है और ट्राइंगल में पैरेलल लाइन की भी जरूरत है. लेकिन यहां पर कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं दिख रहा जिसमें कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो. ओके, सो डेफिनेटली यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. बिल्कुल उसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 12 में लगाया. इस क्वेश्चन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस ओ पॉइंट से विच इंटरसेक्ट्स दिस डी ए डी एट पॉइंट ई सच दैट दिस ई ओ इज पैरेलल टू ए बी. क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वी विल ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी. क्या करा, ई ओ एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ओ बी, सॉरी ए बी के पैरेलल है. ओके, सो दिस इज ई ओ. नाउ फ्रॉम दिस लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. कैसे करेंगे, बिल्कुल वही अप्रोच जो क्वेश्चन 12 में था. सबसे पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडर ट्राइंगल ए डी एंड बी. कंसिडर ट्राइंगल ए डी बी. इन ट्राइंगल ए डी बी, अगर मैं ट्राइंगल ए डी बी को सेपरेटली ड्रॉ करता हूं तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है. दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज बी. इस ए डी बी ट्राइंगल में यू कैन सी ई ओ एक लाइन है. ओके, और ई ओ ए बी के पैरेलल है. अगर ई ओ एक लाइन है जो कि ए बी के पैरेलल है, तो आई कैन से सिंस ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, इट इंप्लाइज दैट दिस ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी. ओके, यू कैन सी
AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ये कंडीशन आ जाएगी OB अपॉन OD, एंड दिस इज बाय कॉन्वर्स, सॉरी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस मदद से, इसकी मदद से हम ये लिख सकते हैं। लेट मी करेक्ट द गिवन सिचुएशन, इट इज AB अपॉन, सॉरी AO अपॉन BO is equals to CO upon DO. We need to prove this. Okay, so I have AE upon ED is equals to OB upon OD by basic proportionality theorem. I will name this as equation number 1. Now, अब देखिए, ये first given condition को use करा, first construction को use करा, that is the parallel line. Okay. Now use the given condition AO upon BO is equals to CO upon DO. ये चीज हमें given है, क्या given है, AO upon BO is equals to CO upon DO, ये चीज given है। Now हम देख सकते हैं first equation में this is OB upon OD is equals to AE upon ED, ये हमें given है, और second वाले condition में जो given condition है उसमें AO upon BO is equals to CO upon DO given है। तो अगर मुझे इस कंडीशन को यूज करना है, कैसे यूज करूंगा, मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा, किस तरह से, सच दैट इनमें से कोई रेशियो मेरे पास ऑब्टेन हो जाए। हम देख सकते हैं कि अगर इस गिवन कंडीशन में मैं OB को वहां शिफ्ट कर दूं और CO को नीचे शिफ्ट कर दूं, आई विल गेट AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ये कंडीशन मुझे इस गिवन कंडीशन से मिलेगी। ओके, एंड आई विल कॉल दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू आई विल गेट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। आपके पास कंडीशन आ जाएगी AE upon ED is equals to AO upon CO. Why? Because first और second दोनों ही equations में RHS same है, RHS same होने की वजह से ये कंडीशन आएगी, and I will name it as third equation. मैं इसे third equation कहूंगा। Okay? Now हमने देखा कि कंडीशन कैसी आ रही है, AE और ED और AO and this is CO. तो AE, ED, AO और CO, ये चारों पार्ट्स कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं। आई विल कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी को सेपरेटली ड्रॉ करता हूं, दिस इज ट्राइंगल ए डी सी, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज सी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस इज पॉइंट टी एंड दिस इज पॉइंट ओ। सो इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ, ये चीज हमें दिख रही है, AE upon ED is equals to AO upon CO. So what conclusion can we draw? I can write that if AE upon ED is equals to AO upon CO, this implies that EO is parallel to CD. Okay? By converse of BPT. By converse of basic proportionality theorem, I can say that EO is parallel to CD. Now consider, we have that EO is parallel to AB. EO OB के parallel है, कैसे, by construction. Okay, by construction हमने ये कहा था, और हमें given है कि EO is parallel to CD. अभी हमने EO और CD को parallel proof किया, so proved above. ये कंडीशन हमारे पास आ गई है, प्रूव्ड अबव, ओके, ईओ को सीडी के पैरेलल करा और ईओ एबी के पैरेलल हमने बनाया। नाउ इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस आई कैन इंप्लाई दैट एबी इज पैरेलल टू सीडी, इट इंप्लाइज एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। कैसे बनाया, हमने सिंपल इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है
तो वह क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन जाता है. ओके सो हमने ये पैरेलल प्रूफ करके ट्रेपेजियम बता दिया. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं. क्वेश्चन नंबर 13 रिवर्स है क्वेश्चन 12 का. ओके आप देख सकते हैं जो अप्रोच थी वो जस्ट अपोजिट हो गई. कुछ भी बड़ा डिफरेंस नहीं आया, जस्ट अप्रोच अपोजिट थी. ट्राइंगल्स वही के वही यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके सो दिस कंप्लीट्स दिस टॉपिक. इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पे जाएंगे, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरम्स को पढ़ेंगे. तो इसे नोट कर लीजिए, टेक अ 2 मिनट ब्रेक. बड़े ध्यान से सभी क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उन सभी में इनका यूज आने वाला है. ओके इन कॉन्सेप्ट्स का, इन क्वेश्चंस का, इन थ्योरम्स का कुछ ना कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें यूज में आएंगी. ओके सो ओके यू नो कैन नोट दिस. ओके तो हमने अभी तक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा और उसके कॉन्वर्स के बारे में पढ़ा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अब हम हमारा डिस्कशन पूरी तरह से डाइवर्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे. नाउ हमने बेसिक सिमिलैरिटी के मीनिंग को समझा है और मीनिंग को समझ के मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन निकाला है कि अगर मुझे दो फिगर्स को सिमिलर बताना है तो किन कंडीशंस को बताना होगा, मैथमेटिकली क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि दो फिगर सिमिलर हो जाएं. तो देखिए अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स आर ऑल्सो फिगर्स. ओके दे आर प्लेन फिगर्स, दे आर पॉलीगॉन्स. एंड जो कंडीशंस हमने सिमिलैरिटी के लिए पॉलीगॉन्स के लिए एक जनरलाइज कंडीशन बनाई थी वही कंडीशंस ट्राइंगल्स पे भी अप्लाई होती है. सो इफ आई से दैट आई हैव टू ट्राइंगल्स, वन इज ए बी सी एंड अनदर इज डी ई एफ, देन इन द टू ट्राइंगल्स the corresponding angles, for example this B corresponds to angle E, then this angle C corresponds to angle F, and then let us say that this angle A corresponds to angle D. Okay? So हमने condition बनाई थी similarity के लिए कि corresponding angles equal होने चाहिए और corresponding sides proportional होनी चाहिए. It means अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर बताना है तो क्या कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा. पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि किसी भी इन दोनों ट्राइंगल्स में corresponding angles को बिल्कुल बराबर होना चाहिए. corresponding angles should be equal. Then the second condition should be that the sides are proportional. The corresponding sides are, the ratio of corresponding sides are equal. So what are corresponding sides? हम देख सकते हैं AB के corresponding DE है, AC के corresponding DF है और BC के corresponding EF है. Okay? So मैं mark कर देता हूँ इनको. इस ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई है. ओके देन बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ है और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी एफ है. सो इस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम कलर में हमने मार्क कर दिए. नाउ सेकेंड कंडीशन फॉर बीइंग सिमिलर फॉर दिस टू डायग्राम दिस टू पॉलीगॉन्स टू बी सिमिलर, द कंडीशन इज दैट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल. सो ए बी अपॉन डी ई ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दिस शुड बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, यह भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, यह भी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके तो सिमिलैरिटी के लिए ये दोनों कंडीशंस होंगी तब हम कहेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है. नाउ
अब ये जो कंडीशन हमने लिखी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल, यह कंडीशन हमने एक जनरलाइज पॉलीगॉन के लिए बनाई थी कि कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ट्रायंगल हो, कोई भी स्क्वायर पॉलीगॉन हो, ये कंडीशंस अगर होल्ड कर रही हैं तो हम कहेंगे कि हाँ दोनों पॉलीगॉन्स दोनों फिगर्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। लेकिन क्या ट्रायंगल में भी हमेशा मुझे ये दोनों कंडीशंस बतानी पड़ेगी? क्या ट्रायंगल में भी हमेशा दोनों कंडीशंस को बताने के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या हर बार मुझे दोनों कंडीशंस को डिराइव करना पड़ेगा कि अगर मुझे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, तो क्या हर बार मैं दोनों कंडीशंस को प्रूव करूंगा? ऐसा हम चेक करते हैं। लेट अस चेक दिस। हम इसे चेक करेंगे एक सिंपल सी एक्टिविटी से, एक बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी। एंड दैट एक्टिविटी विल बी, हम दो लाइंस बनाते हैं, एक है बीसी जो कि है लेट अस से 3 सेंटीमीटर्स की। ओके, हम एक लाइन बनाते हैं बीसी जो कि है 3 सेंटीमीटर की। हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज ई एफ, और ये हम बनाते हैं लेट अस से 5 सेंटीमीटर्स की। हमने एक लाइन ड्रॉ करी बीसी 3 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ करी ई एफ 5 सेंटीमीटर। अब हम इस बी पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ करते हैं। अब हम इस बी पॉइंट से लेट अस से एक एंगल ड्रॉ करते हैं 60 डिग्रीज का। ओके, 60 डिग्रीज का एक एंगल इस बी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हम इस ई पॉइंट से भी एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। इस ई पॉइंट से भी हम एक 60 डिग्री का एंगल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, हमने दोनों साइड से इस 60 डिग्री से एक एंगल ड्रॉ करा और उस ई पॉइंट से भी एक एंगल ड्रॉ करा 60 डिग्री का। नाउ आफ्टर दिस, अब हम इस सी पॉइंट से एक 40 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करते हैं। ओके, 40 क्यों? आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, आप 40 ले सकते हैं, आप 30 ले सकते हैं, आप 20 ले सकते हैं, एनी रैंडम एंगल विच यू लाइक यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। बस याद क्या रखना है, जैसा हमने B से 60 डिग्री करा तो हमने E से भी 60 डिग्री करा। अगर मैं B से 70 डिग्री करता तो E से भी मुझे 70 डिग्री ही करना पड़ता। ओके, हम इस तरह की एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हम दो लाइंस ले रहे हैं BC और EF, ये 3 सेंटीमीटर वो 5 सेंटीमीटर। हमने B पॉइंट से 60 डिग्री का और E पॉइंट से भी 60 डिग्री का सेम एंगल ड्रॉ करा। अब हम इस C पॉइंट से लेट अस से एक 40 डिग्री का एंगल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। दिस इज 40 डिग्री एंगल। ओके, और सिमिलरली एफ पॉइंट से भी हम 40 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करते हैं। आप चाहें तो दोनों ही एंगल्स 40 के बजाय कोई और मेजर के भी ड्रॉ कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट, आप यहां 80 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर यहां पर भी 80 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो हमने कुछ इस तरह से एक्टिविटी करी। फिर हमने देखा कि जो एंगल 60 डिग्री का ये बना था बी पॉइंट से और 40 डिग्री का जो एंगल बना था सी पॉइंट से, इन दोनों एंगल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है लेट अस से ए। ओके, इन दोनों एंगल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हमने ए नाम दे दिया, और यहां पर दोनों एंगल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लेट अस सपोज उसे हम नाम दे देते हैं जी। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन के आ गए। हम देख सकते हैं एबीसी एक ट्रायंगल बन गया और ईएफजी भी एक ट्रायंगल बन गया। ओके, नाउ इन बोथ दीज ट्रायंगल्स व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 40 + 60 = 100। तीनों का सम कितना होता है? 180। तो हम कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180 डिग्रीज। एंगल ए सॉरी एंगल बी प्लस सी कितना है? एंगल ए प्लस
B is 60 degree, angle C is 40 degree, this is equals to 180 degree. So, यहां से angle A का value आ जाएगा 80 degrees. तो हम देखेंगे कि ये जो angle A बन रहा है, ये 80 degrees का बनेगा. Similarly, इस figure में भी हम देखते हैं, angle E plus angle F plus angle G, यह angle का sum 180 degree है. एंगल ई और एफ कितना है 60 डिग्रीज और 40 डिग्रीज प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज और एंगल जी का मेजर आ गया अगेन 80 डिग्रीज. ओके एंगल जी हो जाएगा 80 डिग्रीज. एंगल जी कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज. सो हम देख सकते हैं कि दो जो ट्राइंगल्स हमारे पास आ रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है और एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी है. ओके सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी. यह तीन एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, मतलब हमारी सिमिलैरिटी की पहली कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है. ओके क्या कहा मैंने, क्योंकि ये तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो हमारी सिमिलैरिटी की पहली कंडीशन जो जनरलाइज कंडीशन है वह पहली कंडीशन सक्सेसफुल हो रही है, वह पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है. ओके नाउ अब क्या मुझे ये कंडीशन को भी प्रूव करना पड़ेगा, क्या मैं इस कंडीशन के बेसिस पे कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. लेट अस चेक दिस. अब देखिए हमने ये डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करा, आपने एक रूलर से ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, फिर आपने आपका कंपास से ये 60 डिग्री ये 40 डिग्री और 60 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से एंगल को ड्रॉ करा. अब एंगल ड्रॉ करने के बाद जब ये कंप्लीट दो डायग्राम्स दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं तब हम कैलकुलेट करते हैं बी सी अपॉन ई एफ. वाई, बिकॉज बी सी और ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी और जी ई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ए सी और जी एफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. अब हम चेक करते हैं कि क्या सच में ये साइड्स प्रोपोर्शनल है. बी सी अपॉन ई एफ जब आप निकालेंगे सो दिस इज 3/5, इट विल गिव यू 0.6. ओके बी सी अपॉन ई एफ क्या आएगा 0.6. नाउ अब मैं ए बी अपॉन जी ई निकालना चाहता हूं, क्या निकालूंगा मैं ए बी अपॉन जी ई. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट ए बी अपॉन जी ई, सिंपल आप रूलर से इसका लेंथ मेजर करेंगे और इसका लेंथ मेजर करेंगे और दोनों को डिवाइड करके देखेंगे. यू विल फाइंड कि ए बी अपॉन जी ई का वैल्यू भी 0.6 ही आ रहा है. ओके जब आप मेजर करके इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड कि ए बी अपॉन जी ई 0.6 ही मिलता है, कोई और वैल्यू नहीं आती, 0.6 ही आता है. सिमिलरली अगर आप ए सी अपॉन जी एफ कैलकुलेट करेंगे, रूलर से इसका लेंथ मेजर किया, इसका लेंथ मेजर किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ए सी अपॉन जी एफ विल अगेन कम आउट टू बी 0.6 ओनली. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मैंने दो ट्राइंगल्स को ड्रॉ करा और ड्रॉ करके देखा कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ रहे हैं. नाउ क्या ये मैंने प्रूफ करे, मैंने तो ये कैलकुलेट करके निकाले, लेकिन जब ये कंडीशन हमने प्रूफ करी थी, हमने ये कंडीशन कही थी बी और ई बराबर है सी और एफ और ए और जी, इसके बाद अगर मैं ये चीज कैलकुलेट नहीं भी करता, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट नहीं भी करता तो भी ये तीनों रेशोस बिल्कुल बराबर होते, जो कि आप देख सकते हैं कैलकुलेट करते तो कैलकुलेट करके सबका वैल्यू 0.6 आ रहा है. ओके कैलकुलेट नहीं करते तो क्या ये चेंज हो जाते, ऑब्वियसली नहीं, जो ट्राइंगल बन गया जो उसकी साइड के लेंथ है वो तो मेंटेन ही रहेंगे. तो इसीलिए अगर इसी एक्टिविटी को आप हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स भी परफॉर्म करेंगे, सेम इस तरह से ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यू विल फाइंड कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then the corresponding sides will remain proportional, their proportion will not change, they will remain proportional. okay so is activity se humne kya judgment nikala, kya conclusion nikala, we concluded that the similarity of triangle, the similarity of polygons that we have derived previously
ओके. इफ वी अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑन ट्राइंगल्स, अगर उसी कॉन्सेप्ट को हम ट्राइंगल्स पे अप्लाई करते हैं, तो हमें दोनों कंडीशंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ओके क्या कहा मैंने, हमें दोनों कंडीशंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है इफ वी आर वर्किंग ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. ओके ओके सो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि ये सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट हमने पॉलीगॉन्स के लिए डिराइव किया था, हर पॉलीगॉन के लिए हमने क्या कहा था कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन ट्रायंगल्स में अगर हम सिर्फ एक ही कंडीशन को ट्रू बता देते हैं, कोई भी एक कंडीशन को अगर हम ट्रू बता देंगे, तो हम कह सकेंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके सो इट मींस अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इसके बेसिस पे कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. ओके सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. अब हम इसके बाद एक थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम में हम यही चीज सीखेंगे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या नहीं होते. ओके इस बेसिस पे एक थ्योरम हम पढ़ेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से एक बार सोचिए जो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है. ओके.